ऑफिशियल न्यूज चैनल ऑफ वडोदरा। वडोदरा में भगवान जगन्नाथ जी रथयात्रा योजाओ पर असमंजस सर्जायु छे, त्यारे आज रोज इस्कोन मंदिर ना व्यवस्थापक निंद्यानंद जी स्वामी जीए जिला कलेक्टर आरबी बारण ने मुलाकात लीधी हती अने भगवान जगन्नाथ जी रथयात्रा अंगे बातचीत करी हती। आगामी दिवसों में आषाढ़ी बीज ना दिवसे भगवान जगन्नाथ जी रथयात्रा आवनार छे, त्यारे आ वर्षे रथयात्रा निकळशे के नहीं तेने लईने पण घणी अटकळो चाली रही छे। जो कि हाल सरकार द्वारा पण आ अंगे कोई जाहेरात का तो गाइडलाइन बहार पाडवामां आवी नथी, त्यारे आजे वडोदरा शहेरना इस्कोन मंदिरना व्यवस्थापक नित्यानंदजी स्वामीजीए जिला कलेक्टर कचेरी खाते आवीने कलेक्टर आरबी बारडने मळ्या हता। आ अंगे नित्यानंदजी स्वामीए वधु माहिती आपी हती। देखें, ऐसा है कि इस्कोन मंदिर आषाढ़ी शुद्ध बीज के दिन 12 जुलाई बड़ौदा रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा निकालने की पूरी तैयारी किया हुआ है। मंदिर अपनी तरफ से एकदम जो सरकार और प्रशासन के अंतर्गत है उसके अनुरूप जो गाइडलाइन होगी उस पर पूरी तैयारी हम कर चुके हैं। बशर्ते प्रशासन को देखना है कि किस प्रकार से रथ यात्रा निकाला जाए, कि जो अहमदाबाद के पैटर्न पे होगा वहाँ जिस प्रकार से हो उसी प्रकार से बड़ौदा जन बड़ौदा के नागरिक उसी ही अनुरूप चाहते हैं, बशर्ते जगन्नाथ जी की यात्रा निकलनी चाहिए, ये हम निवेदन करते हैं। अच्छा, प्रसादी का क्या आयोजन है और आप नगरजनों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नगरजनों से हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि सभी बेसब्री से शांति से और सरकार का जो अनुबंध हो जिस गाइडलाइन सरकार चाहती हो जिस गाइडलाइन से उसी के अनुरूप पालन किया जाए, यही हम निवेदन कर रहे हैं। थैंक यू सर।